Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. कमीशन ने मीरा भाईंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह था कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा सके और लोकसभा चुनाव में पहली बार यूज होने वाला वीवीपैट मशीन के बारे में बताया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सालों में विपक्षी पार्टियों ने रोलिंग पार्टी पर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को यह चैलेंज भी दिया था कि ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया जाए, लेकिन कोई भी पार्टी यह नहीं कर पाई। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने लोगों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए और लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया कि वह इस बार वीवीपैट का उपयोग करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक के इलेक्शन में हमेशा दो मशीन होता था, एक ईवीएम और दूसरा कंट्रोलर, लेकिन इस बार आपके मतदान केंद्रों पर एक मशीन और होगी जिसका नाम वीवीपैट है, जिसका पूरा नाम वोटर वेरिफिकेशन पेपर है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इस बार जब आप मतदान केंद्र पर जाओगे और अपने मत अपने उम्मीदवार को दोगे तो उसका चेहरा और उसका सिंबल आपको वीवीपैट के डिस्प्ले पर 7 सेकंड तक डिस्प्ले करेगा, जिससे कि आप अपना वोट वेरीफाई कर सकेंगे। इसके बाद वह पर्ची ऑटोमेटिक बने हुए बॉक्स में गिर जाएगा और एक बीप के साथ आपको यह कंफर्म करेगा कि आपका वोट आपके उम्मीदवार को मिल चुका है। और यह पूरा प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मीडिया के सामने कर दिखाया और चुनाव आयोग ने लोगों से मतदान के लिए जागरूक होने के लिए कहा और लोगों से अपील किया कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर वोट करें। इस समय 3 मशीन है, इससे पहले 2014 में कंट्रोल रेट और बैलेट रेट ऐसे 2 ही मशीन थे। इस बार 2019 में 3 मशीन है, एक बैलेट है, कंट्रोल है और वीवीपैट नया है। अभी इस साल में ये वीवीपैट भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का जो है उसने कई कंपनी बनाया है। ये 3 मशीन, पहले मशीन थे वो थोड़े बड़े थे, अभी छोटे उनको छोटे किए हैं ये 3 दोनों मशीन। और इस साल में जो वोटर आएगा वोटिंग करने के लिए उनका वोटिंग किसको गया है, कौन से कैंडिडेट को गया है, वो उसको कन्फर्म हो गया है वीवीपैट में। तो मतदान केंद्र में ये मशीन का सब हम लोग ऐसा लगाएंगे, सब पूरा सेट लगाएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा, फर्स्ट पोलिंग, सेकंड पोलिंग, थर्ड पोलिंग ऐसा हम बिठाएंगे। जो हमारा थर्ड पोलिंग ऑफिसर है, जब भी कैंडिडेट आएगा उनके पास वो कंट्रोल यूनिट से बैलेट देगा। वो तो बैलेट देने के बाद उन्होंने मतदान कक्ष में जाना है और उन्हें मतदान करना है। वो मतदान करते समय जिस कैंडिडेट को मतदान करेंगे तो उस समय उन्होंने एक वीवीपैट में देखना है कि मैंने जो बटन दबाया है वो सही है क्या, जिस कैंडिडेट को मैंने वोटिंग किया है वो सही है कि नहीं, उसको उसमें दिखने वाला है। ऐसा उसका प्रोसीजर ये साल का है और उनको ही कन्फर्म हो रहा है, ये गोपनीय है। उसमें जो स्लिप आएंगी, उसमें बैलेट दबाने के बाद वो स्लिप 7 सेकंड के लिए स्लिप दिखेगी और उसको कंफर्म होगा और ये स्लिप है वो उसमें बॉक्स में जाकर गिर जाए। यानी वोटर जो वोट कर रहे हैं वो उनको दिखेगा, ये भी प्राइवेसी रहेगी, लेकिन जो वोटर कर रहा है उसके लिए 7 सेकंड के लिए वो विजुअल आएगा और फिर गायब हो जाएगा। तो मतलब ये वोटर को कंफर्मेशन हो जाएगा कि उसने जो वोट किया है, जिसको भी वोट किया है वो सही गया। ओके, कितने परसेंटेज का आप मिलान बाद में करेंगे कि वीवीपैट पे जो आया स्क्रीन उसका कितने परसेंटेज मिलान करेंगे? कर वोट करें। और आपका YND न्यूज़ भी आपसे यह अपील करता है कि आप सभी लोग वोट देने जरूर जाएं। जय हिंद।